हाई एवरीबडी, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इससे पहले हमने यूनियन पार्लियामेंट कवर कर लिया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के टू पार्ट्स हैं, जिसमें कि हम पहले वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। तो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यूनियन पार्लियामेंट की, इसमें कौन कौन होता है? इसमें आपका प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये टू हाउसेस होते हैं, ठीक है? ये यूनियन पार्लियामेंट हो गया। अगर हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आपके अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि कैबिनेट हो गया, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए, ये सब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं, ठीक है? ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार आप कन्फ्यूज जाते हो क्या, और यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं, या फिर यूनियन लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है? अलग अलग नेम से हम इनको बोलते हैं। लेट्स बिगिन विद द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजिडेंट की। ही इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट, और इनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न रहनी चाहिए। नाउ क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेजिडेंट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, इज क्वालिफाइड टू बिकम अ मेम्बर ऑफ लोकसभा। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट द टर्म, तो इनका टर्म होता है 5 ईयर्स, एंड प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से रिमूव हो सकता है। रिजोल्यूशन टू इम्पीच द मे बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसीडर है, ये किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। इट मस्ट बी पास बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये होना चाहिए इम्पीचमेंट कराने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई ई बुक्स। ये मॉली ई बुक्स हैं, और इस वेबसाइट में आप जा सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसकी लिंक। सो हमारे पास क्लास 10th की ई बुक्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी ई बुक्स हैं, जैसे कि फुल सिलेबस केमिस्ट्री रिएक्शंस ई बुक, फिजिक्स MIQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन वी हैव हिस्ट्री सिविक्स ई बुक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री सिविक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ICSE 10th के। जो ये ई बुक है, इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे दैट आर एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स कंटिन्यू। अभी हम बात करेंगे वैकेंसी की। वैकेंसी में क्या होता है, ठीक है? अगर प्रेसिडेंशियल ऑफिस वेकेंट हो जाए, ये रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म होगा, या तो रीज़न होगा डेथ का, ठीक है? रेजिग्नेशन का, रेजिग्नेशन दे दिया तो वेकेंट हो जाती है सीट्स, ठीक है? सीट वेकेंट हो जाती है, या एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ने पढ़ लिया, या फिर रिमूवल बाय इम्पीचमेंट। ये सारी पॉसिबिलिटी है वेकेंट होने की। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हम प्रेजिडेंट को इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। इलेक्टोरल कॉलेज इनको इलेक्ट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है? ओथ कौन दिलवाता है इनको? CJI दिलवाते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे सॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट ही हमारा मेन अथॉरिटी है इस केस में, ठीक है? फिर हम बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की। देखिए, पावर्स अलग अलग टाइप के हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, एमरजेंसी, डिस्क्रिशनरी, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में। इसको आप अच्छे से कर लेना। फर्स्ट वील डिस्कस एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है? हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ PM, यानी PM ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो। पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव, ये हमारे अलग अलग डिग्निटरीज होते हैं, जैसे कि हमारा अटॉर्नी जनरल, देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे, ठीक है?
देन वी विल मूव ऑन टू द लेजिस्लेटिव पावर्स. अब इसमें क्या होता है, पावर टू समन एंड प्ररोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा, ये हमने डिस्कस कर लिया है, हमने पढ़ा था. ओके, नाउ 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा. आपको पता ही है कौन कौन होते हैं, साइंस आर्ट लिटरेचर वगैरह के मेंबर्स. गिव और रिफ्यूज द एसेंट टू द बिल. देन प्रोमल्गेट ऑर्डिनेंसेस. ऑर्डिनेंस कब इशू हो सकता है, व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन. ये आपको पता होना चाहिए. ये भी है कि अगर देखिए ऑर्डिनेंस जो है, अगर एक हाउस होगा, इफ वन हाउस इज इन सेशन, अगर एक हाउस सेशन में है, देन देर इज नो बार टू इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंस, तब भी हम कर सकते हैं इशू. ठीक है, अब फाइनेंशियल जुडिशियल पावर्स आप एक बार खुद देख लीजिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि फटाफट ये चैप्टर अच्छे से हम कर ले. आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, छोटा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है. देन वी विल कम टू एमरजेंसी पावर्स. एमरजेंसी आपकी अलग अलग टाइप की होती है. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेजिडेंट्स रूल. यहाँ पर जो इमरजेंसी के टाइप्स हैं, हम अगर हम बात करें इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये इसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, दूसरी होती है इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो उसको हम कहते हैं प्रेजिडेंट्स रूल. ठीक है, और थर्ड टाइप की होती है जब थ्रेट हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब डिस्क्रिशनरी पावर्स में आते हैं, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ इमरजेंसी पावर्स मैंशनड है. डिस्क्रिशनरी पावर्स, द प्रेजिडेंट मे विद होल्ड एसेंट टू द बिल और मे सेंड इट बैक फॉर रिकन्सिडरेशन इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल. विद होल्ड कर सकते हैं एसेंट को, ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं अगर नॉर्मल बिल हो, है ना, बट मनी बिल के केस में नहीं कर सकते हैं रिटर्न. नो टाइम लिमिट फॉर बिल, ऐसा नहीं है कि आपको हाँ इतने टाइम में आपको वापस करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती है. अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन नो क्लियर मेजॉरिटी, जब कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, कोई एक पार्टी में वोट नहीं आ रहा, तो अपॉइंट कर सकते हैं पीएम को. ठीक है, कास्टिंग वोट सुना होगा आपने. नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये इलेक्ट जो होते हैं ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. मस्ट नॉट बी लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज. मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा. टर्म ऑफ ऑफिस कितनी है, 5 ईयर्स की है. ये भी इलेक्ट होते हैं, सेम प्रोसीडर, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं. ठीक है, जो MPs है वो करते हैं इनको इलेक्ट. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही रेगुलेट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. जितने भी क्वेश्चंस रिजोल्यूशंस हैं उनकी एडमिसिबिलिटी, उनको क्वेश्चंस लेना और रिजॉल्व करना, ये सारी चीज़ें. मे सस्पेंड और एडजर्न द हाउस. इनके एब्सेंस में कौन रहता है, डिप्टी चेयरमैन है. ठीक है, वो बन जाता है, वो इनके एब्सेंस में काम करता है. डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है जिसको प्रेसिडेंट के फंक्शंस मिल जाते हैं. नाउ वी विल मूव टू द इमरजेंसी पार्ट, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में. वैसे आपके सिलेबस में जैसे मैंने बताया सिर्फ इमरजेंसी पावर्स हैं, बट फिर भी अगर आपको सुनना है तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ इस बारे में. देखिए आर्टिकल 352 जो है वो एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर या फिर आर्म रिबेलियन में होता है. आर्टिकल 352 यानी हमारी नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 नॉट अलाउड. बाकी जो हमारे एफआईआर है फिर भी वो सस्पेंड हो जाते हैं, बट दीज टू कैन नॉट बी सस्पेंडेड. देन इसमें थोड़ा ड्यूरेशन का आप एक बार देख लेना. प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 से होता है. प्रेसिडेंट में अज्यूम ऑल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. ठीक है, देन हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टार्ट करेंगे पीएम, यूनियन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.